लोकतंत्र के महापर्व के छठे चरण में संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीट पर 12 मई को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की गईं। खजनी विधानसभा क्षेत्र में 436 बूथों पर मतदान के बाद ईवीएम को गोरखपुर विश्वविद्यालय में बनने वाले रूम में रखा जाएगा। इससे पहले कल क्षेत्र में प्रचार का समर्थन किया उप जिला निर्वाचन अधिकारी आर के श्रीवास्तव ने बताया कि खजनी विधानसभा क्षेत्र में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिए आज की पार्टियों को बूथों के लिए रवाना किया गया। खजनी विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है वो सभी विश्वविद्यालय परिसर से रवाना किया गया। मतदान कर्मी सभी जरूरी कागजात ईवीएम मशीन की पीपीपैड आदि की जांच का पोलिंग पार्टियों को सौंपा गया। सभी पार्टियों को शाम 6 बजे तक अपने मतदान केंद्र पर पहुंच जाएं रिपोर्ट करना है। मतदान के बाद ईवीएम को विश्वविद्यालय में रखा जाएगा। 23 मई को होने वाले मतगणना के नतीजे संत कबीर नगर प्रशासन को सौंप दिए जाएंगे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी आर के श्रीवास्तव ने बताया। अपने पार्टियों डॉक्टर जी मतदान क्या कराएंगे।
अभी उनका अपने सेक्टर में क्या फोन बात कर रहे हैं और उनको अवगत करा दें। हाँ साहब, किसी से थोड़ा बात नगर साहब प्रकरण बोलेगा कौन है ये सतीश कुमार साठ नजरिया आ गया कहाँ मास्टर ट्रेनर भी होगा क्या? ठीक है। आज खजनी विधानसभा जो गोरखपुर का हिस्सा है, ये संत कबीर नगर की 62 लोकसभा सीट का एक पार्ट है। यहाँ की पोलिंग पार्टियाँ रवाना हो रही हैं यूनिवर्सिटी में बैडमिंटन हॉल से, और पीठासीन अधिकारी और उनकी सब टीमें मिलके यहाँ से सामग्री रिसीव करके चेक करके वाहनों से अभी घंटे डेढ़ घंटे में निकल जाएंगी।